गेम में और कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आ चुका है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम बिग बॉस नहीं देख रहे, ऐसा लग रहा है कि हम कोई सीरीज या कोई फिल्म देख रहे हैं जिसमें लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि जनता की वोटिंग, एलिमिनेशन, जनता का फैसला, ये सब कुछ इस सीजन में मैटर नहीं करता। इस सीजन में सिर्फ मैटर करता है कि बिग बॉस खेल रहे हैं, तो जो बिग बॉस चाहेंगे अल्टीमेटली वही होगा। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि बिग बॉस जो चाहेंगे वही होगा, बिग बॉस जो चाहते हैं वही होता आया है अब तक इस सीजन में। अब एक बार फिर से लाइव फीड में एक बड़ा बवाल मुझे ऐसा लगता है कि मचने वाला है। जी हाँ, क्योंकि सुबह से साजिद खान नजर आ रहे हैं, सुबह से साजिद खान दिख रहे हैं लाइव फीड में। पहली बार ऐसा हुआ है, जी हाँ, आज साजिद सुबह से ही लाइव फीड में दिख रहा है, ये पहली बार हो रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि साजिद खान लाइव फीड में सुबह दिखे हों, या पूरे दिन वो लाइव फीड में कभी भी कहीं भी नजर नहीं आते, लेकिन एपिसोड में वो जरूर नजर आ रहे होते हैं, एपिसोड में वो जरूर दिख रहे होते हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ साजिद खान एपिसोड में, मतलब लाइव फीड में दिख रहे हैं, वहीं अंकित सुबह से लाइव फीड से गायब है। प्रियंका अकेले घूम रही हैं, प्रियंका अकेले बैठी हैं, प्रियंका अकेले किसी किसी से बातें कर रही है, लेकिन कहीं पर भी अंकित नजर नहीं आ रहे। जिसके बाद 99.9% लोगों को इस बात की कॉन्फर्मेशन हो गई है कि अंकित गुप्ता सीक्रेट रूम में जा चुके हैं। जी हाँ, अंकित के सीक्रेट रूम में जाने का फायदा क्या क्या होगा? सबसे पहले जो अंकित के पीछे बातें होती हैं वो उन्हें समझ में आएंगी, कौन क्या कर रहा है वो उन्हें समझ में आएगा, दिखेगा। साजिद खान कितनी डिप्लोमेटिक है, साजिद खान कितनी डिप्लोमेसी के साथ गेम खेल रहे हैं वो उन्हें दिखेगा, वो उन्हें समझ में आएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि लाइव फीड में अंकित दिखना बंद हो गए हैं, लाइव फीड में अंकित बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, और इसी चीज का बवाल मच रहा है। इसी चीज के लिए जो है जनता काफी ज्यादा परेशान है कि अंकित क्यों नहीं दिख रहे। अगर वाकई अंकित को प्रियंका, क्योंकि बिग बॉस ने प्रियंका के कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली है, बिग बॉस ने प्रियंका को कहा है कि आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है कि क्या फैसला होगा, 25 लाख या बजर दबाकर अंकित को घर वापस, 25 लाख या अंकित। अब यहाँ पर अगर प्रियंका जो अब तक कहती आई हैं, अगर वो उस पर खड़ी रहती हैं तो वो बजर प्रेस कर देंगी और 25 लाख ले लेंगी, लेकिन अगर बजर प्रेस नहीं करती तो अंकित आ जाएंगे। बट जिस हिसाब से घर की सिचुएशन दिख रही है लाइव फीड में, ऐसा लगता है कि अंकित तो है ही नहीं घर के अंदर। अब आपकी बारी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, और उसी के साथ साथ आप हमें बताइएगा कि अंकित अगर वाकई सीक्रेट रूम में जाते हैं तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है।